माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो काफ़ी मीन्स ग्रो किया है 5 साल में। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रोथ रही है कंपनी में, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद इस कंपनी के स्टॉक में लगभग काफ़ी मीन्स गिरावट आई है और लगभग 50% तक ये स्टॉक टूटा है। लेकिन ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आप देख सकते हैं सिंपनी लिमिटेड 1113 के ऊपर चल रहा है और इसका अगर आप देखेंगे तो 1092 का लो है, 2200 के करीब ये हाई है। लेकिन जो इनके फाइनेंशियल्स टर्नओवर और नेट प्रॉफिट में कमी आ रही उसी के कारण जो है इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और इनके जो फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रांग है, 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है अभी भी और कंटिन्यूस होल्डिंग अच्छी है प्रमोटर्स की। और इसके अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 7800 के करीब है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, डिविडेंड एवरी ईयर देती है कंपनी। और इसका फाइनेंशियल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उस टाइम 155 के करीब था और अब जून का जो रिजल्ट आया है वो 79 मीन्स मार्च से भी फिर नीचे आया है सेल्स का टर्नओवर। और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5 करोड़ का खाली नेट प्रॉफिट दिखाया है और उससे पहले 41.93 का था। तो मार्च क्वार्टर में भी थोड़ी गिरावट आई थी और अब जो जून क्वार्टर का है उसमें काफ़ी मीन्स नेट प्रॉफिट जो है कमी आई है। और अगर आप EPS देखेंगे तो पहले 5.99 का था और अब 0.71 का है। तो काफ़ी मीन्स फ़र्क आ रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर, इसी के कारण जो है स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आने वाले समय में अगर इनकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है फिर से और फिर से आगे जाके काफ़ी अच्छा मीन्स ये कर सकती हैं। और अब जो GST का रेगुलेशन है उसके अंदर 28% से 18% किया है तो इससे भी इनके सेल्स में फ़र्क गिरेगा और ग्रो करेगी सेल्स। और इनके जो प्रोडक्ट्स है ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं, ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं। तो आने वाले समय में ये फिर से अपने जो सेल्स हैं रिकवर कर सकती हैं और ये आउट ऑफ कंट्री भी सेल करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो उससे भी बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। और कंपटीशन भी काफ़ी है, जैसे बजाज, उषा और दूसरी जो कंपनीज न्यू चालू हो गई हैं जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी बनाना चालू किया है। तो उसी के कारण जो है कंपटीशन के कारण थोड़ी दिक्कतें आई हैं। इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की अभी भी 75% की होल्डिंग है और पब्लिक म्यूचुअल फंड उनकी मिला के FII की मिला के 25% की होल्डिंग है। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने ले रखा है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, दूसरा है UTI यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर भी है एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो ये तीन बड़ी कंपनी के पास होल्डिंग ज़्यादा है और टोटल म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं 12। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो FIIs भी 85 है टोटल, तो काफ़ी मीन्स FIIs भी हैं इस स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो दिक्कत तो इस कंपनी में नहीं दिखती है, खाली जो है सेल्स अगर फिर से बढ़ जाते हैं, टर्नओवर बढ़ जाता है और नेट प्रॉफिट ग्रो करता है तो फिर से ये स्टॉक ग्रो करना चालू कर सकता है। लेकिन थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में बताना था ताकि जिस लोगों ने इस स्टॉक को ले रखा है वो अभी फ़िलहाल होल्ड ही करिए और जो लेना चाहते हैं तो एक पुल बैक का वेट करिए और उसी के बाद जो है इस स्टॉक में हाथ डालिए। तो आज इसी के बाद बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।